हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ स्टेप कंपाउंड करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। ओके, एंड हम 700 से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा लॉस भी लग जाए तो हमें कुछ खास वर्क ना पड़े। ठीक है, एंड साथ ही साथ आज का मार्केट कुछ खास अच्छा नहीं है। क्या हो रहा है कि कुछ खास लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बिकॉज मैं मॉर्निंग से एनालिसिस कर रहा हूँ तकरीबन 7 बजे से, और अभी तकरीबन 10 बजने को हैं। एंड ट्रेडिंग भी मैंने एनालाइज करा था बहुत सारा चार्ट, वो उस टाइम लाइव चार्ट रनिंग था और भी करेंटली सब OTC में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और मार्केट बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे, नहीं तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। विदाउट अपॉर्चुनिटी के वी विल नॉट वना ट्रेड। ओके, सो करंट टाइम का मार्केट एक स्टैक एरिया है, ट्रेंडी मार्केट है, स्टैक एरिया है, ट्रेंडी मार्केट है, फिर यहाँ से ट्रेंडी मार्केट है, फिर ट्रेंडी मार्केट है, और स्टैक एरिया के जोन में मार्केट रनिंग है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट से दूर रहना चाहिए। ठीक है, देखो गाइस, मार्केट कैसा मूव कर रहा है, दैट इज नॉट अ गुड मार्केट। और यहाँ नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत ही तगड़ा डाउनफॉल के साथ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। ओके, और देखते हैं, SNR जो होती है एक जोन होती है, ना कोई सिंगल लाइन होती है। ठीक है, तो मार्केट एक SNR के जोन में है, और जो रिजेक्शन आ रही है उसके की लेवल से आ रही है। ठीक है, ओके ओके, देख लेते हैं क्या होता है। जब तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं जाएगा हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तब तक कोई दूसरा पेयर में गाइस ट्रेड फाइंड करते हैं। ये भी मार्केट अच्छा मार्केट नहीं है, बिकॉज मार्केट में देखो क्या हुआ ना, कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी है, जंप डाउन लग गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डार्क क्लाउड कवर टाइप का पैटर्न है, कंटिन्यूशन आई है, कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, लेकिन मार्केट के इस जोन पे क्लोज होने के बावजूद भी अगली कैंडल रिवर्स नहीं गई, ट्राई करा बट 2 बार एरर आ गया, फिर जाके मार्केट ने रिवर्स करा। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल मार्केट नहीं है मेरे लिए आज के लिए, वैसे हो सकता है बहुत लोगों के लिए हो बट मेरे लिए भी करेंटली नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं गाइस, आपको ये सब वीडियो देख करके मार्केट चूज करने में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो गाइस, यहाँ से मैं एक अप की एंट्री लगा रहा हूँ, और लॉस होगा तो देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ट्रेड क्यों लिया है, देखो मार्केट क्या कि ओवरऑल एक करेक्शन वेव में है। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट सेलर एंट्री पॉइंट है वो इस जगह पर है, तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, सेलर्स कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, नहीं तो एटलीस्ट इस लेवल से सेलर्स आएंगे, इस लेवल से। ठीक है, और अभी तक जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, देख लो स्ट्रांग बायर एंगल्फिंग के साथ स्ट्रांग बायर। अगर क्या होता है ये कैंडल रेड बनती है तो अगली कैंडल हमारी श्योर शॉट ग्रीन होगी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज मैंने अपने कोर्स में एक पार्ट पढ़ा रखा है जो कि है 3 आउटसाइड अप है, वही यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है रिट्रेसमेंट के साथ। तो हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दी है, बिकॉज हमें पता है कि अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ से अप ही जाएगी। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, और अगर ये लॉस होगी तो एक और मार्टेंगल यूज करेंगे, बट अगर वो भी लॉस हो गया तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्या होता है, एक पैटर्न आता है जिसको 3 आउटसाइड अप कहते हैं, उसमें 3 कैंडल होते हैं, 3 कैंडल के बाद अगर कोई रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट आती है कहीं भी 50% ऑफ लेवल से या फिर की लेवल से या कहीं से भी, तो उसके बाद अगली कैंडल क्या होती है, आपके डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न मैंने अपने कोर्स में बता रखा है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मैंने अपने कोर्स में बता रखा है। तो जिनको भी मेरा कोर्स परचेज करना है वो टेलीग्राम पर आकर के मेरे से मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो, बिकॉज बाइनरी मार्केट में विदाउट सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, विदाउट लर्निंग के बाइनरी मार्केट में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग सीखो बाइनरी की, उसके बाद इस मार्केट में ट्रेड करने आओ, नहीं तो आपके पास जितना अमाउंट है सब उसको आप क्या कर लोगे, जीरो कर लोगे। ठीक है, मैंने 3-4 चीजें यहाँ देखी थी, एक हमने सेलर्स का एरिया देखा कि मार्केट में कहाँ से सेलर्स एंटर होंगे, तो इस जगह से सेलर्स एंटर होंगे, साथ ही साथ करेंटली क्या है यहाँ पे बायर्स हमें वीक दिखा रहा ताकि हम बायर की ट्रेड ना ले, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एक बायर ने सेलर्स को एंगल्फ कर दिया और अगला कैंडल जो है बहुत ही स्ट्रांग है, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में एंगल्फिंग के बाद स्ट्रांग बायर्स आए हैं, तो अगली कैंडल हम कंटिन्यू करेंगे। हमने करा लेकिन मार्केट में यहाँ पर एक, अब इसको एरर कैंडल कहोगे लेकिन नहीं, एक एरर कैंडल नहीं है, इसको आना ही है, आना इसलिए है बिकॉज मैंने वहाँ पे मिस करा था, बिकॉज एक पैटर्न आता है 3 आउटसाइड अप, उसी के लिए यहाँ पे एक रेड कैंडल चाहिए अगली कैंडल को अप ले जाने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने ग्रीन की ट्रेड ली थी और ये हमारा विन हो चुका है। ठीक है, तो वैसे चलो आगे देखते हैं, कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारा रिटर्न यहाँ पे 13.44 का है। ठीक है,
और 92% का रिटर्न है, तो काफी अच्छी बात है। ठीक है गाइस, देखो यार क्या होता है ना, अगर मैं चाहूँ तो कट वट करके आगे पीछे करके सब दिखा दूँ, बट मैं चाह रहा हूँ क्या जल्दी जल्दी ट्रेड ना करूँ जहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट मिलती है, ताकि आपको भी लगे कि मैं सही ट्रेड, लाइक क्या होता है ना, जैसे आप मुझे देखोगे उसी हिसाब से आप मार्केट में जाओगे, तो आपका भी माइंडसेट कुछ उसी हिसाब से बनेगा, बिकॉज जिसको आप देखते हो ना उसी की तरह आपकी साइकोलॉजी भी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बैक टू बैक यहाँ वहाँ ट्रेड लगा के दिखा दूँ तो मैं तो पैसा बना ही लूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी ट्रेड लूँ वो आपको समझने लायक हो और मुझे समझाने लायक हो, और ताकि हम आगे भी ट्रेड कर सके। ठीक है तो चलो गाइस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गाइस हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मार्केट चाहे यहाँ क्लोज हो, कहीं भी क्लोज हो, हम सेल करेंगे, बस मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, अगली कैंडल हम सेल करेंगे, लॉस होगा तो देखा जाएगा, वन स्टेप मार्टेंगल हो, यहाँ पे एक SNR लेवल भी है, फिर भी हम सेल करेंगे। ठीक है, क्यों सेल करेंगे मैं आपको बताता हूँ, करंट मार्केट सिनेरियो देख करके मैं क्या करूँगा, सेल करूँ, और यहाँ भी क्लोज देगा मैं फिर भी सेल ही करूँगा। ठीक है, मैंने प्री डिसाइड कर लिया है कि मैं सेल करूँगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रिजेक्शन आया कुछ भी आया मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कैंडल पे सेल कर दिया है, अब प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्टेंगल यूज होगा, लेकिन मैंने क्यों सेल किया है ये देख लो, अब कहानी समझो, बैक ऑफ द मार्केट क्या हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस एरिया था, क्लोजिंग हुई है, मार्केट अब जाना चाहिए, ये वो दिस दैट थिंग छोड़ दो, कहानी समझो, मार्केट में लेवल्स देख के ये वो देख के ट्रेड नहीं होता, मार्केट में लॉजिक देख के ट्रेड होता है, कि हम जो कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हैं क्या रीजन है ट्रेड प्लेस करने का। सबसे पहले समझो मार्केट के टॉप पे एक एम पैटर्न बना है जो कि एक बियरिश साइन दिखाता है कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, डाउनफॉल जाएगा, तो मार्केट पहले यहाँ पर आया, पुल बैक लिया, फिर फॉल हुआ, फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर यहाँ से फॉल होने का ट्राई करेगा, तो मार्केट इस तरह के पैटर्न को कवर अप कर रहा है, लॉस होगा तो देखा जाएगा, लेकिन जो हमारा थ्योरी है, जो हमारा नॉलेज है, उसको तो हम बदल नहीं सकते ना। और उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने पहला हाई यहाँ लगाया, अगला हाई यहाँ लगाया। ठीक है, उसके बाद ये पहला हाई था, ये दूसरा हाई था, ये तीसरा हाई था, गौर करो कि मार्केट किसी भी हाई को टच करने के लिए नहीं जा रहा है, पहला हाई यहाँ था तो मार्केट यहाँ तक आके इसको टच करके तब नीचे जा सकता था, लेकिन ये हाई क्या हुआ, यहाँ तक नहीं आया, नीचे से ही गिर गया, फिर ये जो हाई बना तो उसको ये हाई टच करने के लिए नहीं आया, ये यहीं से नीचे गिर गया। ठीक है, और जब भी हाई बन रहा है तो अपने सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट करे, जैसे हाई बना तो यहाँ सपोर्ट था, ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ये हाई बना, यहाँ सपोर्ट था, इसका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, फिर ये हाई बना यहाँ पे, यहाँ पे ये हाई बना। ठीक है, इसका ये सपोर्ट था, ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब ये हाई बना है तो यहाँ पे सपोर्ट है, तो रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, साथ ही साथ सेलर का डोमिनेशन क्या है मार्केट में, स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू बायर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायर्स क्या, सेलर्स स्ट्रांग है, और ओवरऑल नेक्स्ट टारगेट कहाँ का है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ का है, यहाँ पे क्या है, गैप है। ठीक है, दैट्स व्हाई मार्केट यहाँ पे क्या होगा, फॉल होगा। ज्यादातर लोग आपको किस तरह से ट्रेड करके बताएंगे, मैं बताता हूँ, देखो ज्यादातर लोग आपको ये सिखाएंगे कि भाई SSNR लेवल होता है, VSSNR लेवल होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, यहाँ लेवल लगा देंगे फिर उसको उठा करके यहाँ लेवल लगा देंगे फिर उठा करके यहाँ लेवल लगा देंगे। ठीक है, फिर कह देंगे देखो भाई ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है, ये वो दिखाएंगे कि आपको देखो यार ब्रेकआउट हुआ फिर भी रिवर्स हो गया, टच किया फिर यहीं से बायर्स की एंट्री हुई, ये वो। अरे भैया मार्केट क्या है ना, कि मार्केट में आप कोई भी लेवल उठा करके रख दोगे ना, कोई भी लेवल, तो वो रिस्पेक्ट देगा ही देगा, कहीं भी उठा कर रख दो। जैसे देखो मैंने हॉरिजेंटल लाइन लिया और मैंने कहीं भी उसको उठा करके नहीं डाला, मैंने बस टैप करा हॉरिजेंटल लाइन पर, मैं उसको छेड़छाड़ भी नहीं कर रहा हूँ, देखो यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ भी 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 कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना हो गया ये एक बहुत ही स्ट्रांग लेवल या फिर बहुत ही ये हो गया। मार्केट में हर जगह लेवल से लेवल से आप कहीं भी लेवल को उठा के रख दो, वहां पर वो रिस्पेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लॉजिक को देख के ट्रेड करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, अब गौर करना, कोई भी यूट्यूबर जो आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सिखा रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई ना कोई सेटअप बता रहा होगा या कुछ बता रहा होगा, मैक्सिमम यूट्यूबर 99.999% ऑफ यूट्यूबर्स क्या करते हैं आपके साथ, जब उनको खुद अपना कैपिटल ग्रो करना होता है तो प्राइस एक्शन विद कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यूज करके ट्रेड करेंगे और पैसा बनाएंगे, जब आपकी बारी आएगी आपको सिखाने की या आपको कोई स्ट्रैटेजी बताने की, तो आपको कोई इंडिकेटर पकड़ा देंगे, बताने है भैया ये वॉलिंजर बैंड लगा लो, और कोर्स के लिए मतलब वॉलिंजर बैंड की जो सेटिंग्स है, जो नंबर्स हैं अप एंड डाउन की, उसके लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां से देख लो, VIP ग्रुप में आ जाओ, ये वो दिस दैट। ठीक है, फिर बता देंगे ये EMA लगा लो, ये मूविंग एवरेज लगा लो, अरे भैया तो आप क्यों नहीं ट्रेड करते उस पे जो हमको कह रहे हो करने के लिए, आप भी करो उसी पे बैठ करके ट्रेड, और वो करने के लिए एक दो वीडियो में कर भी लेंगे, बट ओवरऑल जिन्होंने कैपिटल ग्रो किया है अपना और अच्छी खासी कैपिटल पे आए हैं, वो आए हैं प्राइस एक्शन विद कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है,
और बाकी जो सेटअप्स वगैरह होती है वो टेम्पररी पैसा बनाने का साधन है, उससे आप पैसा बना सकते हो नो डाउट, बट अल्टीमेटली मार्केट में जो एक सिस्टमैटिक प्रूवन तरीका है जिससे पैसा बन रहा है, आपको वो चूज करके आगे बढ़ना है, ना कि कोई ऐरे गैरे चीजों में पढ़ना है। बहुत सारे लोग ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सीख जाओ वो कॉन्सेप्ट सीख जाओ, अरे भैया क्यों सीखे, क्या जरूरी है, जब हम नॉर्मल चीजें सीख करके पैसा बना सकते हैं तो उतना वो हाई डीप एनालिसिस में जाने की क्या जरूरत है हमें, हमें तो अल्टीमेटली पैसा से मतलब है। मुझे खास जो जितनी चीजें मुझे पता है उसका मैं 1% भी यहाँ नहीं दिखाता, क्यों नहीं दिखाता, बिकॉज मैं सब कुछ यहाँ बताने लगूंगा बंदा समझेगा ही नहीं, बिकॉज वो चीजें सीखने मैंने 4-5 साल दिया है, अब मैं आपको कैसे वो एक दो वीडियो में बता दूँ, ठीक है। तो सब कुछ थोड़ा बहुत झलक है जो मेरी नॉलेज है, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे जो चीजें समझाई है ये कोई कोर्स वोर्स में नहीं है, ये बस मैंने चीजें समझी है मार्केट में बैठ भर करके, बैठ बैठ करके समझा है कि जब भी मार्केट हायर लोज के फॉर्मेशन में होता है वो अपने लोज को तोड़ता ही तोड़ता है, और हर बार ब्रेकआउट होता तो यहाँ भी ब्रेकआउट होगा ही होगा, ठीक है। तो दो स्टेप हो गया, एक बार और ट्राई करते हैं, एक लास्ट कंपाउंड करेंगे फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो काफी आई थिंक वो लंबी बन चुकी है, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मार्केट अच्छा नहीं है इसीलिए मैं कम कम रिस्क लेके चल रहा हूँ, ताकि लॉस भी हो जाए तो दिक्कत ना हो, मार्ट एंगल लेने हालत में रहूं, ठीक है। देखो तो मार्केट क्या है ना, कुछ यहाँ पे क्या बड़े टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, बट हम पे भरोसा ही नहीं कर सकते, हम इस पे भरोसा ही नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से उठेगा, बिकॉज ओवरऑल क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है इसका ऊपर उठने का, ठीक है ना, तो इतना जल्दी ये ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं और क्या कुछ हो सकता है, नहीं चलो 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 देखे जरा क्या होता है। यहाँ लेवल्स हैं, कुछ लेवल्स यहाँ पर है, ठीक है। बायर्स का डोमिनेशन स्ट्रांग है मार्केट में, बट अभी करेंटली सेलर का रिजेक्शन आ रहा है, मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है गाइस। हम यहाँ पे एक अपवर्ड की ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज मार्केट ने अचानक अपना मूवमेंट खो दिया है, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दे दी है एक राउंड नंबर पे, जो कि एक स्ट्रांग राउंड नंबर का लेवल है, बट मार्केट ने अपना मूवमेंट अचानक खो दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे एक एग्जॉशन हुआ है, उसके बाद भले यहाँ पे लॉस लग जाए नो डाउट, बट जो मेरे पे नॉलेज है मैं उसके अगेंस्ट जाके गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो मार्केट में एक बायर अपनी क्या थी, एक कंसिस्टेंसी में थे कि बैक टू बैक बायर्स आ रहे थे, फिर बायर ने अपनी पावर्स को बढ़ाया, जो कि एक स्ट्रांग मारुबुजु कैंडल है, ना कि कोई एग्जॉशन कैंडल है, ठीक है। स्ट्रांग मारुबुजु कैंडल से यहाँ के लेवल का ब्रेकआउट हुआ, जो कि एक व्यू से देखने में डब्ल्यू पैटर्न लग रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद एक कंटिन्यूशन टाइप की कैंडल है लेकिन रिजेक्शन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल बढ़नी चाहिए आगे, बिकॉज मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, अचानक से अपनी मूवमेंट को खो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डबल अमाउंट की ट्रेड लगाएंगे और रिकवरी करेंगे, ठीक है गाइस। अब देख लो एक यहाँ पे और मिस्टेक क्या हो गई है, थोड़ा सा रिस्की हो गया, बिकॉज मार्केट ने क्या कर दिया, जंप अप लगा दिया, जो कि जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर ये नीचे आके एक बार राउंड नंबर को टच कर ले तब ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ये अचानक अगर ऊपर जाएगा तो लास्ट टाइम में जाके कहीं ये सेलर ना आ जाए, लेकिन इसने आई थिंक अगर मैं गौर करूँ तो इसने छोटा सा रिजेक्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है, बट कोई नहीं, देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। और मार्केट आज का अच्छा भी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी गाइस जो एक गाइडेंस था, जो एक तरीका था समझाने का, मैं आपको समझा चुका हूँ, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई हैं और आप इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ोगे। एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग सीखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, 10,000 चीजें देखने की जरूरत नहीं है, कोई एक चीज पकड़ो उसको मास्टर करो उसी से आगे बढ़ो, जब उससे अच्छा खासा पैसा बन जाए तो उससे आप फिर बैठ करके आराम से पूरी दुनिया की नॉलेज लेते रहो जितना लेना है। जैसे मैं जब पहली बार कैपिटल को ग्रो किया था, सबसे पहले मैं प्राइस सेक्शन विद कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के साथ मैंने कैपिटल को बिल्ड कर लिया, जब मेरे पास अच्छा खासा पैसा बन गया तब जाकर के मैंने कलर पैटर्न सीखा, थ्री आउटसाइड अप थ्री आउटसाइड डाउन, थ्री इनसाइड अप थ्री इनसाइड डाउन सीखा, उसके बाद डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, उसके बाद चार्ट पैटर्न, बहुत कुछ फिर मैंने सीखा, ठीक है। तो जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मुझे ये हॉरिजेंटल लाइंस एंड ये ट्रेंड लाइंस के अलावा कुछ नहीं आता था, ये कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, समझ रहे हो, बस मार्केट के हायर लोज पता थे और ये ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पता थे, बस इसी को देख करके ट्रेड किया। बाद में जाकर के मैंने और बहुत कुछ सीखा जो आपको देखने में भी बहुत फैसिनेटेड एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस है, आपको अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए वो चीजें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है।
तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड लव यू ऑल। देख सकते हो 1 2 3 4 5 टोटली 4 ट्रेड हमने, लाइक 3 ट्रेड हमने विन करा है और 2 हमारा लॉस लगा था, बट कोई बात नहीं, होती हैं चीज़ें, कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। बिकॉज बाइनरी का दूसरा नाम ही है लॉस करवाना, बट कोई बात नहीं। और जिनको भी गाइस प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना होगा वो आ जाना टेलीग्राम पे, मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके आप सीख सकते हो। बाकी गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।